एक छोटे से शहर में आरव और सिया नाम के दो युवा रहते थे। आरव एक कलाकार था जिसकी चित्रकारी में उसकी आत्मा बसती थी और सिया एक संगीतकार थी जो अपनी सुरों से दिलों को छू लेती थी। दोनों की मुलाकात एक कला प्रदर्शनी में हुई जहां आरव की पेंटिंग्स और सिया का संगीत एक साथ प्रदर्शित हो रहे थे। आरव की पेंटिंग्स देखकर सिया मंत्रमुग्ध हो गई और उसने आरव से मिलने की इच्छा जाहिर की। आरव ने सिया का संगीत सुना और उसकी मधुर आवाज से प्रभावित होकर उसे मिलने का न्योता दिया। दोनों की मुलाकात में कला और संगीत का ऐसा संगम हुआ जिसने उनके दिलों को जोड़ दिया। समय के साथ उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और उनका प्यार गहराने लगा। आरव अपनी हर पेंटिंग में सिया के संगीत की मधुरता को बुनता और सिया अपने हर गीत में आरव की पेंटिंग्स के रंग भरती। दोनों ने मिलकर कई कला और संगीत के आयोजन किए जहाँ उनकी जोड़ी को सबने सराहा। एक दिन आरव ने सिया को एक खास पेंटिंग दिखाने के लिए बुलाया। वो पेंटिंग सिया की मुस्कान को दर्शाती थी जिसमें आरव ने अपने दिल की गहराइयों से रंग भरे थे। उस पेंटिंग के साथ आरव ने सिया को प्रपोज किया और कहा, सिया, जैसे मेरे चित्रों में तुम्हारे संगीत की धुन बसती है, वैसे ही मेरी जिंदगी में तुम बसती हो। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? सिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। उनकी प्रेम कहानी ने एक नया मोड़ लिया और वे दोनों एक साथ अपनी कला और संगीत की दुनिया को और भी खूबसूरत बनाने में लग गए। उनका प्यार और उनकी कला की कहानी सबके लिए प्रेरणा बन गई और वे खुशी खुशी साथ रहने लगे, एक दूसरे के सपनों को पूरा करते हुए।